तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो मेन फोकस है वो है इंटरटेनमेंट की तरफ, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ हमने ये सेशन भी निकाला है कि कुछ अवेयरनेस वाली चीजें भी आपको मिलती रहे साथ में। ये कंटेंट थोड़ा सा बोल्ड है, अच्छा, लेकिन ये है कि आपको काफी चीजों से अवेयर करेगा। क्यों बिलाल भाई? ओके। तो इसके अंदर हम सुनाने जा रहे हैं बिलाल भाई की दास्तान, बिलाल भाई की जवानी, बिलाल की कहानी, बिलाल की जवानी। तो ये सुनाने जा रहे हैं, काफी सीरियस नोट पे ये स्टोरी है। स्टोरी शुरू होने से पहले मैं बिलाल भाई का इंट्रोडक्शन करा दूं। बिलाल भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, मोहल्ले के दोस्त हैं, मतलब चड्डी यार समझ आ रहा, मतलब फर्स्ट ईयर इंटर से हमारी दोस्ती है। तो ये सीन भी इनके साथ फर्स्ट ईयर इंटर में ही हुआ था। ये इन्होंने मुझे उस वक्त नहीं बताया, क्योंकि अगर ये उस वक्त मुझे बताते मैं इनकी बहुत गंदी लेता साफ सी बातें, गंदी तरीके से लेता यार ये क्या हो गया। लेकिन अगर सीरियस बात पे बात की जाए, अगर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो ये काफी सीरियस टॉपिक है जिससे आप लोगों को भी अवेयर रहना है। तो बिलाल भाई, हमारा टॉपिक ये है कि भाई हैरेसमेंट पर है टॉपिक हमारा आज का। वैसे जैसे कि थंबनेल से पता चल गया होगा, तो हैरेसमेंट जैसे थंबनेल बता नहीं, आप तुम कैसा डालो थंबनेल से पता चलो सही है। हाँ ठीक है जी। तो बाकी हैरेसमेंट की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा आती है वुमेन हैरेसमेंट, या किसी औरत के साथ हो गया जो कि शोर बचाया जा रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो मसला है ना, ये अमूमी मसला है, ये एक खास तबके का, खास जेंडर का मसला नहीं है। ये हमारा माशरे में ही एक मसला है जो मर्दों के साथ भी हो रहा है, औरतों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी हो रहा है। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ कैसे हुआ? मेरे साथ इस तरह हुआ था कि भाइयों, मैं था अराउंड 15 साल का। उस टाइम मेरी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं हुआ करती थी और मैं बच्चा था अराउंड, फर्स्ट ईयर में, तो मतलब चिकना बच्चा ही होता है। खैर अलबत्ता हुआ कुछ यूँ कि हम लोग गए, कॉलेज था मेरा दिल्ली कॉलेज, मैं दिल्ली कॉलेज से आया, वापसी का सफर था, रात दोपहर के 12 बज रहे थे, 12 से 1 बज रहे थे। सही, हम पैदल पैदल आते थे, करीमा बात करीमा से शामा कुछ पकड़ते थे और घर चले आते थे। लेकिन एक दिन बिल्कुल अलग सीन हुआ। क्या? हुआ ऐसा कि मैं आया शामा कोश लेने, सही है, शामा कोश तो मिल गई, बड़ी देर से आई, घंटे बाद, लेकिन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो शामा कोश में बैठा तो रश था पूरी बस में, लेकिन एक अंकल फरिश्ता नुमा सिर्फ मुझे लगे और सामने बैठे हुए बोल रहे, बेटा यहाँ विंडो सीट पर आके बैठ जाओ। मैंने बोला ये तो नेमत अल्लाह की तरफ से। हाँ, कि भाई मैं, मुझे विंडो सीट मिल रही, इतनी भरी हुई बस में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम जाके बैठ। मैं आगे बैठ गया, मैंने बोला, मैंने अंकल का शुक्रिया अदा करा, मैंने थैंक यू सो मच अंकल। तुम्हें अंकल लगे नहीं थे कि मतलब ये कार्रवाई से शक्ल वाले लग रहे हैं? नहीं अंकल, अंकल अगर मैं, अंकल बहुत सोबर था अंकल, मतलब इतना अच्छी अपीयरेंस, मतलब कि आप शादी, मतलब एक वाइट कुर्ता सलवार, सही है। तो वो अंकल बैठे हुए, अब मुझे क्या पता था कि क्या होने वाला है आगे आके। तो फिर अब जब बस चली तो अंकल के ना फिर तासुरात जाहिर होने लगे कि उनके क्या इंटेंशंस थी, असल इंटेंशंस मुझे बिठाने के बराबर में। मैं पहले बैठा हुआ था, इतनी सीट घिर गए, सही है। फिर अंकल ने एक झटके के साथ अंदर होगा, और फिर मैं और अंदर हो गया, फिर मैं और अंदर हो गया, इस तरह मैं बिल्कुल बस के जिस तरह फ्रेम के कोने पर हूँ ऐसे ही आ गया। सही, बिल्कुल सुकड़ के बैठ गया, डर के मारे, सहम के, बिल्कुल सहम के ना। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सही है। फिर अंकल ने ना, हुआ कुछ यूँ कि जब ब्रेक लगता तो फिर वो मुझे टच करने लगे उल्टे सीधे हाथों से, सही है, वापस आया था। तो मैंने रियलाइज करा, मैंने बोला यार ये तो कुछ गलत ही हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ गलत हो रहा है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ उस टाइम। तो फिर मैंने अंकल को कुछ बोला तो नहीं, अब मुझे डर लग रहा था, मैं भी बच्चा, फिस्टर भी इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी होता हमारे पास कि हम उठा के जंपा रख दें, किसी को भी सुना दें, उस टाइम तो सीखने का वक्त होता है। लेकिन ये सिखाने के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को, आज ना कभी हो तो स्टैंड लो, फौरन फौरन, मतलब खामोश नहीं बैठो। मैं उसमें थोड़ी देर के लिए खामोश बैठा। उस टाइम मैं मार्शल आर्ट सीखता था और बड़ा अच्छा लड़ाई झगड़ा करता था मैं, बहुत इलाके में सबसे फड्डे रहते थे और बड़ा अच्छा फाइटर था, तो रिंग विंग्स में लड़ाई करता था मैं। तो ना उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अंकल ने दबा दिया, तो फिर अंकल जो ना मुझे थाइस पे रब कर लिया। बार बार फ्रीक्वेंसी हो गई गलती की, हर ब्रेक पे वो हाथ जाता यहाँ से यहाँ से। तो तुम्हें पता कैसे चला कि अंकल गलती से कर रहे हैं या सीरियस नोट पे? हाँ, इसके लिए मेरा ना दिमाग चला थोड़ा सा। अब मैंने क्या करा, एक ट्रिक सोची, मैंने सोचा यार अगर अंकल की असल इंटेंशन चेक करनी है कि आया गलती से हो रहा है या अंकल जानबूझ के कर रहे हैं। हाँ। उनकी असल इंटेंशन निकलवाऊंगा फिर मारूंगा, वरना तो जुल्म हो जाता ना अगर मैं ऐसे करता, किसी को भी रोड पर उठा के पीट दो आप तो। फिर मैंने ना अंकल को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया
बातों बातों में इशारों में ही कह लो किसी हद तक, मतलब कि वैसे बैठा हुआ था, मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा, मतलब ऐसा अपेरेंटली मैं कंफर्टेबल फील कर रहा मैंने, मतलब तुम ऐसा फील कर रहे हो कि तुम अंकल के साथ ही, हाँ साथ ही हूँ, मैंने ऐसा अंकल को प्रिटेंड कराया कि मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ अब आपके साथ। अब अंकल भी ढीले पड़ गए, अंकल ने क्या करा उसी टाइम, अंकल ने फौरन मुझे आगे चले गए, मतलब कि मैं कैसे बताऊं, एक सेंसर हो जाएगा फुल ऑन फुल, मतलब अंकल ने ना हाथ लिटरली वहां ले गए, कहां सेंसिटिव पार्ट्स, हां अंकल ने वहां हाथ रखा, वो चाह रहे थे वो अंदर घुसना, और फिर वो बस कार्रवाई के लिए ना घुसने वाले थे, फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा, आपको पता है मार्शल आर्ट्स थे आपका भाई, तो हमने पकड़ा उनका हाथ और हाथ मोड़ा और हमने उनको दिए प्यारे प्यारे ऐसे ऐसे अल्फाज सुनाए जितने हमें याद थे उस टाइम तक के, तो सब सुना दिए और एक रखा उनको थप्पड़ जोर का बराबर में ही, पूरी आवाम उड़ गई बस की, भाई क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा, माने नहीं है लोग, समझेगा भाई क्या चल रहा है, हाँ लोग आए करीब में ना कि लड़ाई नहीं करो, मैंने बोला बात सुनो ये हरकत कर रहा था, और मैं इतना कॉन्फिडेंस तो था, थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होगा उस टाइम अलबत्ता, लेकिन इतना था कि मैंने अपने लिए आवाज़ रेज कर दी, मैंने बोला बात सुनो ये एक्स वाई जेड जो भी हरकत करती, मैंने उस टाइम क्लियरली साफ खुले अल्फाजों में बता दी। तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मैंने यहाँ पे गुद्दी पहले तो यहाँ पे रखा बैठे बैठे, फिर वो बोलने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ, मैंने बोला तुम्हें बताऊँ मैं क्या हुआ, फिर मैंने उनको तीन थप्पड़ रखे यहाँ पे गुद्दी पे और फिर मैं रखता चला गया, उन्होंने ऐसे हाथ रख लिए गर्दन पे, हाँ और मैं इतना जज्बात में आया हुआ था, मैंने सोचा नहीं कि मैं कहाँ मारूं, वो उनका हाथ रखा हुआ था, हम भी हाथ पे हाथ चलाया, अरे दम 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 की बुद्धि पूरी लाल कर दी यहाँ पे, अबे क्या हुआ लगता है, और वो रो रहे भय में करके, फिर हुआ मेरे हाथ में पूरे सूज गए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा, लेकिन गुस्सा इतना आया हुआ था कि मारना तो था भरपूर वाला, तो ना मैंने ये नकल्स होते ना उंगली के, मैंने इनको पकड़ा और उस टाइम मुझे थोड़ा सा था कि कहाँ पे सबसे ज्यादा दर्द होता है पता था मुझे। तो ना मैंने उनकी रीढ़ की हड्डी के जो नोक होती है ना, ये नोक मैंने यहाँ से ढूंढनी, मतलब क्योंकि अब उनमें हाथ रखे हुए थे कहाँ मारूं मैं, जगह ही नहीं थी कोई मारने की, मैंने वो मोहरे ढूंढ के और उसके ऊपर दो मुक्के मारे, जो नोक मारी फिर उनको सही से दर्द महसूस हुआ होगा, एक हफ्ते तक तो आराम से कहीं नहीं गया होगा वो दर्द, तो ना फिर मैंने मारा मारा मारा, फिर जब वो बस से भागने लगे तो उनकी कोटी पहनी हुई थी ना, शुरू में मैंने बताया था कि शलवार कमीज पर कोटी अपीयरेंस थी उनकी, मैंने कोटी पकड़ी और पीछे से एक गुद्दी पे दिया और वो बस से बाहर गिर गए, और फिर वो निकल गए होंगे एक्सप्रेसिड, कहाँ मेरा तो इतना दिल चाह रहा था कि मैं उतर के भी मारूं, सही है क्योंकि यार सीधी सी बात है जिस पर गुजरती है ना वही जानता है, आप लोग जज करोगे तो आपकी मर्जी है, सही है। तो फिर तुम उतर के मारने गए या फिर अपनी बस तुमने छोड़ दी? यार मैं उतर के मारने नहीं गया, बताऊं क्यों, क्योंकि मेरी जेब में थे पूरे 15 रुपए, जो कि किराया था शमा कोच का करीमाबाद से लेके मेरे घर तक का, सही। अब अगर मैं उतरता नागन चौरंगी पे जहाँ पे मैंने खत्म वो अंकल उतरे थे, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे वहां से घर तक का किराया चाहिए, अब वो किराया तो है ही नहीं, और मैंने बोला ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंकल, तो अगर इसके पास किराया होता तो ये गुद्दी लगा लगा के घर तक छोड़ कर आता, जो बात है, और ऐसा ही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि अगर कहीं भी माशरे में आपको ऐसा शख्स मिले और किसी के साथ होता हुआ मिले और जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो और बोल नहीं पा रहा हूँ मुंह से और आपको मैसेज उसके साथ गलत हो रहा है और कोई ना कोई बंदा उसको तंग कर रहा है कहीं ना कहीं से, वो मोबाइल फोन से भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, एक्स वाई जेड किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और स्टोरी को सुनाने का मकसद यही था कि भाई स्टैंड लो, प्रॉपर स्टैंड लो, डरो नहीं, कोई भी ऐसी हरकत करो उसको घर तक जाके मारो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तब भी लाइक कीजिए, लगी तब भी लाइक कीजिए, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, अपने अगली वीडियो में, अपने अगले स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।